We will study a lesson of class 12th, A Girl with a Basket, written by Mr. William C. Douglas. The full name of William C. Douglas was William Campbell Douglas. प्रिय मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं की एक पाठ जिसका नाम A Girl with a Basket है, उसका अध्ययन करेंगे. इस पाठ के लेखक विलियम सी डगलस है, जिनका पूरा नाम विलियम कैम्बेल डगलस था. विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो भारत देखने 1950 में आए हुए थे. भारत देखने के दौरान वे दिल्ली से रानीखेत की यात्रा किए. उस यात्रा में उन्हें जो अनुभव हुआ उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है. ए गर्ल विथ ए बास्केट एक उनकी बहुत सुंदर रचना है. आइए मित्रों, हम उसका अध्ययन करें. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली. आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था एज फार एज तक बरेली. मैं बरेली तक गया बाई ट्रेन रेलगाड़ी से. एंड देन बाई कार टू रानीखेत और रानीखेत तक कार से. यहाँ देखिए डैश करके डैश किया गया, इसका मतलब कि वो रानीखेत के बारे में बताया जा रहा. एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यह रानीखेत अंग्रेजों की एक पुरानी सैनिक छावनी थी. लोकेटेड आने 6,000 फुट, जो 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है. रिज रिज मीन्स पर्वत श्रृंखला. अपोजिट एट 125 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालयाज, और ठीक इसके सामने 120 मील तक फैला हुआ हिमालय का बर्फ से ढका हुआ भूभाग है. द ट्रेन वॉज स्लो. स्लो मीन्स धीमा. रेलगाड़ी धीमी थी. एंड इट स्टॉप्ड एट एवरी वे स्टेशन, और ये रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकने के स्थान पर, मतलब प्रत्येक स्टेशन पर. आई संग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोल देता था. अब माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के. मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था. एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और फिर प्लेटफार्म पर टहलने लगता था. द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड, प्लेटफार्म भरा हुआ था विद पीपल, लोगों से, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे. ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फूट. ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरी वन सभी, वॉज बेयर फूट नंगे पाँव थे. लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे. एंड ड्रेस्ड और पहने हुए थे. इन लूज, लूज मीन्स ढीले ढाले, वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों को पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता. बिफोर आई कुड फाइंड 1 spoke English, तब मुझे इंग्लिश बोलने वाला केवल एक ही व्यक्ति मिलता था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने संसार के बारे में हमने संसार के मामले में बात की. एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक बड़े विषयों पर. द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन के समाचार थे, उस दिन के समाचार के बारे में, समाचार के बड़े बड़े विषयों पे और संसार के मामलों के बारे में हमने बात किया. इन दिस वे, इस प्रकार से. आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था. टू गेट, पाने का. आई फील ऑफ द पर्सन, राष्ट्र के नब्ज, राष्ट्र की भावना को. चेकिंग, जांच रहा था. ओपिनियन, विचारों को. अगेंस्ट, विरुद्ध. ऑफिशियल, सरकारी. एटीट्यूड, व्यवहार. एंड रिपोर्ट, और मत. इस प्रकार से मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था, और सरकारी व्यवहार और खबरों के विरुद्ध मत को मैं परखता था. द रूट ले थ्रू वन आर द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया. एग्रीकल्चर में कृषि से. एरिया मीन्स क्षेत्र. द रूट मीन्स मार्ग. थ्रू, ले थ्रू, गुजरता था. वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे समृद्ध, ऑफ इंडियाज, भारत के. यह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा, यह ऊपरी गंगा का मैदान था.
1000 फीट एवं सी लेवल, लेवल मीन्स स्तर, सी मीन्स समुद्र, यह समुद्र से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल तो गर्म, लेकिन यह गर्म था, मतलब यहाँ पे ठंडी भी बहुत अधिक पड़ती है और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। द गंगा, वाइट ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई थी। स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, ये बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ राइस, इट्स ओवरफ्लो, इसके बहाव ने इनअनडेटिंग डूबे हुए था थाउजेंड्स ऑफ एकर राइस, हजारों एकड़ चावल धान की खेती को, इसके बहाव ने हजारों एकड़ धान की खेती को डूबे हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस, अति विशाल विस्तार, ऑफ ग्रास, घास का अति विशाल विस्तार था। हायर देन अ मैन्स हेड, एक आदमी के सर से भी ऊपर, आदमी के सर से ऊपर घासों का विशाल विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, अनब्रोकन मतलब टूटा हुआ, फॉर एन ओकेजन मतलब कहीं कहीं। क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड, पेड़ों के झुंड के अतिरिक्त ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबराजो, चीतों, हाथियों, अजगरों और काले नागों के घर थे। एवरीवेयर इट्स देयर वाज फ्लैट लैंड, एवरीवेयर सभी जगह, इट्स इसके अतिरिक्त, देयर वाज फ्लैट लैंड और इसके अतिरिक्त सभी जगह फैला हुआ मैदान था। रनिंग टू द होरिजन, जो क्षितिज की ओर जा रहा था, क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदु के समान, बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, पवित्र बरगद का पेड़, और रोज ऑफ पाकर ट्री, या पाकर वृक्षों की पंक्तियाँ थी। सेव लाइक इल्म, इल्म तथा चिरावेल, चिरावेल वृक्षों के आकृति, हैविंग थिक विथ ट्विस्टेड टंग, जो जिसके तने मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग फ्राम द साउथ वेस्ट, हार्ट ह्यूमिड एयर, हार्ट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम, एयर मीन्स हवा, वाज मूविंग बह रही थी, गर्म नम हवा बह रही थी। फ्राम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा बह रही थी। मंकीज, बंदर, समाप्त में मदर विथ बेबीज क्लिंगिंग, उनमें से कुछ मादा बंदरियाँ भी थी जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी ट्रीज, वृक्षों पर, एट द स्टेशन, स्टेशन के वृक्षों पे अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। लुकिंग फॉर फूड, जो भोजन की तलाश में थी। द ब्रिज वाज पास्ट, गांव से जिनसे हम गुजरे। हेड वाज मेड ऑफ मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, जिनके दीवार मिट्टी, गोबर और पानी से बने हुए थे। देयर पीक्ड रूफ्स, उनके नुकीले छत, वेयर थेस्ट, तो वे थेस्ड अंडर्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बो पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स, देयर पीक ग्रुप्स, उनकी नकीली छतों पर, वेयर थेस्ड, छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बो पोल्स, घास के गट्ठर टाइट बंधे हुए थे टू बैम्बो पोल्स, बांस के बल्लियों पर, घास के गट्ठर बांस के बल्लियों पर बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स, जो ढालदार बल्लियों के सहारे उस पर फैले हुए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइंस, उन उस दिन कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर उगी हुई थी, बेन ब्लूम, उसमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रेक्स ऑफ एलो, जो पीले पंक्तियों की तरह लटकी हुई थी ओवर ट्रेबर्स, उन नीरस दीवारों पर, जो उन नीरस दीवारों पर पीली पंक्तियों के रूप में लटकी हुई थी। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. Interrupted, बाधित हो गया। At one station, एक स्टेशन पर, my routine, मेरा क्रम of talking, बात करने का, with the people, लोगों से, was interrupted, बाधित हो गया। एक स्टेशन पर लोगों से मेरे बात करने का जो क्रम था वो बाधित हो गया। As soon as, ज्यों ही, I alighted, मैं उतरा। A group of young children, छोटे बच्चों का एक समूह, गदे अराउंड मेरे चावल इकट्ठा हो गया। जो ही मैं स्टेशन पर उतरा,
एक छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग, वे बेच रहे थे बास्केट्स, टोकरियाँ। हैंड ओवन, हाथ से बुनी हुई, हाथ से बनी हुई, वे हाथ से बनी हुई टोकरियों को बेच रहे थे। रीड बास्केट्स, सरकंडेस की टोकरियाँ विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, साधारण रूप और आकार में, वे साधारण रूप और आकार की सरकंडे से बनी हुई, हाथ से बनी हुई टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं उनकी बातों को नहीं समझ सका। बट कन्वेइंग अनमिस्टिकली देयर विडिया, लेकिन उनकी इच्छा को मैं ठीक प्रकार से समझ सका। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वेन पार्टीशन, जब विभाजन, बिटवीन बीच इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन डिक्रीड घोषणा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हुई। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड, लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने पुराने घर को छोड़ दिए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हुई, लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़ दिए। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने लिए नए घर खोज लिए। नाइन मिलियन, वन मिलियन में 10 लाख होता, 9 मिलियन 90 लाख पीपल लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिए। 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्रेवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक उन्माद, धार्मिक पागलपन के भय के कारण वे भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, स्टार्ट में शुरू करना। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, अपनी यात्रा के शुरू में वो लोग गरीब थे। दे वेयर पुअर, और अधिक गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिक, ट्रिक मतलब लंबी पद यात्रा, और वे जब, और जब उन्होंने लंबी, अपने लंबी पद यात्रा को शुरू किया, और अधिक गरीब हो गए। फार आर दे कुट के, क्योंकि वे ला सके। वाज ए बिट ऑफ फूड, बहुत थोड़ा भोजन। एंड फ्यू बिलोंगिंग, और बहुत कम सामान, क्योंकि वे अपने साथ बहुत कम भोजन और सामान को ला सके। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। आउट ऑफ फूड, भोजन के बाहर, मतलब शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डे आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा के कुछ दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, रास्ते में, कुछ दिनों, अपनी यात्रा के कुछ दिनों के बाद रास्ते में गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी कार, भूख की कमजोरी कार वे रास्ते में गिरने लगे। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फॉल, जहाँ कहीं भी हो गिरे वे मर गए। अपनी यात्रा के कुछ दिनों के बाद, अपनी भूख की कमजोरी कार वे रास्ते में गिरने लगे, और जहाँ कहीं भी गिरे वहीं मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, द चिल्ड्रेन बच्चे, सेलिंग बेचने वाले, बास्केट टोकरियों, टोकरियों को बेचने वाले बच्चे, वेयर सन्स पुत्र थे, एंड डॉटर्स और पुत्रियाँ थी, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के, टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर, देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स, वे या उनके माता पिता, रिलेटिव या उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए, इन द सिटीज, शहरों में, वे या उनके माता पिता या उनके संबंधी शहरों में इकट्ठा हो गए। सिटिंग स्टॉल, दुकानें लगा लीं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुओं को बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और उसी बाजार में अपनी आजीविका को कमाने का प्रयास करने लगे। ऑलरेडी ओवरक्राउड, जो पहले से ही व्यापारियों से भरा हुआ था। दे लिव्ड क्लॉथ एंड ग्रास सेट, वे कपड़ों के और घास से बने हुए छपरों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो उन गलियों में लाइन से लगे बने हुए थे। द पीजेंट्स, किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे। बीन कस्टम, अभ्यस्त थे। टू लिटिल आर देयर लिव्स, बहुत थोड़े में ही अपने जीविका को रहने के लिए। फार एनुअल इनकम, क्योंकि उनकी वार्षिक आय। ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक खेतीहर परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं थी, ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 से अधिक, क्योंकि एक खेतीहर परिवार की वार्षिक आय एक वर्ष में $100 से अधिक
नहीं थी। देवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक साधारण अकुशल मजदूर। मेक्स कमाता था 30 सेंट एट एक दिन में, और लेस देन $2 ए वीक, या सप्ताह में $2 से कम। एक साधारण अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट या एक सप्ताह में $2 से कम कमाता था। देयर इज वन मील ए डे, उन्हें दिन में केवल एक बार भोजन मिलता। एंड ओन, जिसमें एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी दाल। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, संभवतः बकरी के दूध से बना हुआ पनीर का एक टुकड़ा। नो कॉफ़ी, नो टी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, न तो चाय और ना ही कॉफ़ी, ना ही घी और ना ही मिठाई और ना ही मीट। उन्हें कॉफ़ी, चाय, घी, मिठाइयाँ और मांस नहीं मिलता था। $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2 भी नहीं। इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी ये छोटी रकम। इज हार्ड टू अर्न, कमाना मुश्किल था। बाय सेलिंग बास्केट, टुकड़ियों को बेच कर। टू पीपल, लोगों को। टू वर टू बाय देम, जिससे कि वे इन सामानों को खरीद सकें। ये छोटी आय भी उन टोकरी बेचने वाले गरीब लोगों के लिए कमाना मुश्किल था। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। इज द रीजन, यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे। डिसेंडेंट ऑन मी, मेरे ऊपर चढ़ पड़े। आने लाइक लोकस्टस, टिड्डी दल की तरह। इसमें कोई संदेह नहीं था कि छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े। आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी। वॉज डाउटलेस, निसंदेह था। द मोस्ट प्रमाइजिंग, सबसे अच्छा ग्राहक। दे हैड सीन, जिसको उन्होंने देखा था। आई बाट वन टाइनी बास्केट, मैंने खरीदा। वन टाइनी, एक छोटा टोकरी। फॉर ए फ्यू आनर्स, कुछ आने में मैंने एक टोकरी खरीदा। एनदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी फल वाली टोकरी। फॉर ए बिट मोर, उससे कुछ अधिक में। ए ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट, फॉर ए रुपी, और एक रुपये में। बेकार की कागज से बनी हुई सुंदर टोकरी को। ए लवली सीविंग बास्केट, एक सुंदर सिलाई वाली टोकरी। फॉर ए रुपी, एक रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, और कुछ पंखे एक या दो पैसे में। माई आर्म्स वेयर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरी बाहें भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, लड़के मेरे पास से चिल्लाते हुए गुजरे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक बंधक बन चुका था। कम्प्लीटली, पूरी तरह से सराउंडेड, घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, और हिलने में भी मैं असमर्थ हो गया था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, सबसे आक्रामक परिश्रमी विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की एक छोटी लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, वह मुठिया युक्त एक सुंदर टोकरी ली हुई थी। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड हाफ फॉर अबाउट 30 सेंट, वह उसके लिए 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अनेस्ट प्लीडर, वह एक आक्रामक विनर विक्रेता थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स, वह इस प्रकार से निवेदन की। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि किसी के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए। फुल, आई हैड नो रूम लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अदर बास्केट। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट एंड हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 15 सेंट इन हर, विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट। यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंग बिफोर मी, माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें
मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई कमरा नहीं था। लेट एलॉन्ग इन इट, और कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की, मुझे किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी और मेरे पास कोई स्थान भी नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएँ भुजा पर अपने पंखों और टोकरियों को साधते हुए, आई रिस्ट इन टू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने दाहिने कोट के जेब में अपने हाथ को डाला। एंड हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर दचकारी, पर है 15 सेंट इन ऑल विच, संभवतः हुआ 15 सेंट थे। आई डिपॉजिटेड, मैंने डाल दिया इन द बास्केट, टोकरी में। यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंग बिफोर मी, जो छोटी लड़की मेरे सामने प्रार्थना करते हुए खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड द ग्रेस टू एज एज सब्सिट्यूट, लेकिन उसके बदले में उसे सब्सिट्यूट, उसके बदले में ग्रेचुटी उपहार एक्सटेंडेड दे रहा, लेकिन उसके बदले में उसे उपहार दे रहा था। आई रियलाइज्ड, मैंने अनुभव करना, मैंने अनुभव किया। एट वंस, तुरंत। व्हाट ऑफेंस, कैसा अनुचित कार्य। आई हैड गिवन, मैंने कर दिया है। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने कैसा अनुचित कार्य कर दिया है। दिस चाइल्ड, ये लड़की, अब नौ वर्ष की ये लड़की, ड्रेस्ड इन रेस, जो फटे पुराने कपड़ों को पहने हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भूख से मरने के निकट थी। रेस्ड हर चिन, अपने चेहरे को उठाई। रिस्ट इन टू द बास्केट, टोकरी में अपने हाथ को डाली। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक संभ्रांत महिला के शान और गौरव के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे उस धन को वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, ओनली वन थिंग, एकमात्र कार्य था, आई कुड डू, जिसको मैं कर सका, मेरे पास केवल एक ही कार्य था जिसको मैं कर सका। आई बॉट द बास्केट, मैंने खरीद लिया द बास्केट, टोकरी को, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड, वाइप में तो पोछना, सी वाइप, उसने पोछा हर आईज, अपनी आँखों को, उसने अपनी आँखों को पोछा। स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म के नीचे कूदी। हेडेड फॉर सम ब्रासट, और झोपड़ी के, घास से बनी झोपड़ी के पास दौड़ी। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात्रि उसके पास, उसके परिवार के पास कम से कम 30 सेंट तो होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। इट वॉज वन रीजन, यह एक कारण है। आई हैड फॉलन, मैं पड़ गया हूँ इन लव, प्रेम में, विथ इंडिया, भारत से, एकमात्र यह कारण है जिसके कारण मैं भारत से प्रेम में पड़ गया हूँ। The people saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. The people I saw in India, मैंने भारत में लोगों को देखा, those in the villages as well as those in high offices, गांव में रहने वाले लोग और ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों को, मैंने भारत में गांव में रहने वाले लोगों और ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों को देखा। है बोथ प्राइड, जिनके अंदर गर्व, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, जिनके अंदर गर्व, शालीनता और नागरिकता की जीवंत भावना थी। दे आल्सो हैव इस पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर स्वतंत्रता की भी तीव्र भावना है। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदगी पैदा हुई, एंड प्रॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो सद्भाव व्यवहार और व्याकरण के दृष्टि से अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, मुझे दी ए ग्लिम्स, एक झलक, वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के जीवंत आत्मा की। यह सुंदर लड़की, जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई, जो व्याकरण और सद्व्यवहार से अशिक्षित थी, उसने मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दिखाई। अब ये पाठ समाप्त हुआ मित्रों।
अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को अगले दिन अपलोड करेंगे। यदि आप मेरे चैनल यदि आप मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।